प्रॉब्लम 1.11 देखो बच्चों, कहता है पॉलीथीन को हमने रब किया वूल के साथ तो उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया इतनी वैल्यू का, ये कैपिटल क्यू होगा। समझ के देखते हैं पहले इसको। सपोज ये आपके पास वूल है, ठीक है, और इसको अपन ने रब किया है किसके साथ बच्चों, पॉलीथीन के साथ, राइट। तो क्वेश्चन के हिसाब से नेगेटिव चार्ज किस पे आया, इस पर आया। तो बेसिकली अपन दो बॉडीज को चार्ज करते हैं ना बच्चों फ्रिक्शन के फॉर्म में रब करके, तो एक चार्ज लूज कर देता है और एक चार्ज गेन करता है। तो यहाँ पे वुल ने चार्ज किसको दिए हैं, पॉलीथीन को, जिससे ये कैसा हो गया नेगेटिवली चार्ज, और ये वाला टर्म उतने ही वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक। तो यहां से जो चार्ज का टर्म है वो हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ ई, और ये बेसिक सी चार्ज क्वांटाइजेशन की थ्योरी है। ए पार्ट कहता है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। तो डायग्राम समझ में आ रहा है अपन को, कौन कहां से कहां जाएगा बच्चों, तो ये लिखेंगे अपन इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम फर्स्ट है हमारे पास वुल, और वुल से ये चला जाएगा पॉलीथीन पर, ठीक है। कितने जाएंगे वो भी निकाल लेते हैं अपन। तो एन का टर्म हो जाएगा क्यू बाय ई, ये दिया हुआ है अपन को माइनस में 3 × 10⁻⁷ कूलम से, और ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी अपन को आइडिया होता है कितना है बच्चों, -19 कूलम्स में ही आएगा टर्म। कैंसिलेशन कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल अप्रोच से, तो इसका टर्म बनेगा 1.875, और ये टर्म आ जाएगा ऊपर जाकर प्लस में 12, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये एक तरह का नंबर है, इतने लोग ट्रांसफर हुए हैं किससे, वुल से लेकर पॉलीथीन पर, ठीक है। ए पार्ट यहाँ पे हमारा खत्म होता है। बी के लिए बात करते हैं, तो कहता है इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास, तो अपन कहेंगे यस, और पूछा है वुल से पॉलीथीन में, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे तो मास भी लेकर जाएंगे, तो अपन लिख देते हैं थ्योरी इसकी, बिकॉज मास इज एसोसिएटेड, मास क्या होता है बच्चों, एसोसिएट होता है किससे साथ, चार्ज के साथ। अगर कहीं पे चार्ज है तो ऑब्वियसली क्या होगा, मास होगा। ये हम बेसिक प्रॉपर्टीज में पढ़कर आते हैं जब चैप्टर शुरू शुरू में स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कितना मास ट्रांसफर हुआ है, तो हो जाएगा मास ट्रांसफर्ड, छोटा सा एक लॉजिकल इक्वेशन लगा लीजिए आप, कितने लोग गए हैं और एक का कितना मास होगा, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर तो अपने को पता है ऊपर वाले आंसर से 1.875 10⁻½, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻³⁻¹। इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो आ जाएगी वैल्यू 1.8, और इन्हें सॉल्व कर लेंगे हमें तो हमें मिलने लगेगा माइनस के अंदर बच्चों, ये एक और कम होगा तो जाएगा 18, ठीक है, और ये अपना पूरा मास हो गया। वैल्यू आ रही है हमारी केजी में, और इसके यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये कितना है बच्चों, वेरी स्मॉल, या और बोल सकते हो कि नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मास ट्रांसफर नहीं होता है जब चार्जिंग होती है, तो माइनस में टर्म आ रही है, बहुत छोटी वैल्यू है, तो लिख सकते हो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मास, ठीक है, इज ट्रांसफर्ड। वो कहां से कहां होगा बच्चों, हमें ये भी पता होता है, ये हो गया वुल से लेकर पॉलीथीन तक, ठीक है। ये हो गया हमारे दोनों के आंसर्स कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स।